मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद भी जो आला अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला मथुरा के जिला कारागार में देखने को मिला, जब चाकूबाजी की घटना के दौरान 4 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक कैदी का जो गंभीर हालत है उस कैदी का इलाज यहाँ मथुरा के जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की लापरवाही भी सामने देखने को मिली, क्योंकि जो कैदी अभी भर्ती कराया गया था उसके अभी जो यहाँ वॉशरूम होके आया, वॉशरूम के दौरान इसके आंख में से ब्लड निकलना शुरू हुआ था। उसके बाद सिपाही पुलिसकर्मी है जब जो डॉक्टर के पास कहने के लिए गए थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है, और खुद सिपाही ने जाके यहाँ से कॉटन ले लिया और खुद उसकी सफाई करी। कहीं ना कहीं मान सकते हैं जिस प्रकार से जो डॉक्टर की लापरवाही है वहीं देखने को मिल रही है। उनसे ही बात करेंगे। अभी आप मां गए थे डॉक्टर साहब के पास कॉटन लेने के लिए, क्या लेकिन लेकिन मैं बात नहीं दूंगा, मैं देखे नहीं बाइट नहीं चाहिए नहीं 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 मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप उनसे उस सिस्टर से पूछ लें थोड़ा। तो गलत कॉटन आप नहीं लगाए ना? अरे कॉटन हमने लगाया, कॉटन हम तुम्हारा दायित्व तो भी है हमारे, हाँ ब्लड निकल रहा था तो हमें सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं। मैडम भी तैयार है, सिस्टर डॉक्टर नहीं आया? नहीं सिस्टर भी तैयार है, डॉक्टर ना सिस्टर आए ना डॉक्टर आए? नहीं सिस्टर कह रही थी हमें आ रही, तुम कॉटन ले चलो, मैं आ रही। आपसे कह दिया था कॉटन लेके चले जाओ जी बिल्कुल देख सकते हैं जिस प्रकार से जो कैदी के जो उपचार होना चाहिए था, जिस प्रकार से गंभीर हालत में यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ उसको उपचार भी नहीं मिल पा रहा। प्रवीण कुमार शर्मा।